हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये ग्लोब देख रहे हैं इस्लामिया कॉलेज के सामने, ये हमेशा से कराची की पहचान रहा है। और एक वक्त था कि बहुत सारी मूवीज में और बहुत सारी जगहों पर कराची को जब भी दिखाना होता था इस ग्लोब को दिखाया जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि इस ग्लोब की हालत बहुत ख़राब हो गई, इसका कलर उड़ गया, इसके इर्द गिर्द की जो जगह थी बहुत ख़राब हो गई। यहाँ पे कभी फाउंटेन होते थे, फवारे चलते थे, वो बंद हो गए, कचरा यहाँ जमा हो गया और इंतज़ामिया ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद हमने देखा कि सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई, मीडिया ने भी जो है इसको कवर किया और उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और इसको बेहतर किया गया। ज़रूरत यह है कि इसको और बेहतर किया जाए, इस तारीखी जगह को। और हमने ये सबक सीखा कि वैसे तो इंतज़ामिया ही को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर इंतज़ामिया कराची की बेहतरी के लिए और इस तरह की जगहों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये मेरा और फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इंतज़ामिया को याद दिलाएं और उसके लिए आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी। नाज़रीन, आज हम आए हैं जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन नॉर्थ नाज़माबाद कराची में, और हमारे साथ जिना यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़बरदस्त काबिल गर्ल्स मेरे सामने मौजूद हैं। जब कभी आप विमेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, गर्ल्स के पास जा रहे होते हैं, आपके सामने ऑडियंस सिर्फ गर्ल्स होती है, तो आप सोचते हैं टॉपिक क्या होना चाहिए, और टॉपिक हमेशा जहन में आता है भाई बात करो खाली लड़कियों की, विमेन एम्पावरमेंट की। और हमने भी माजी में ऐसा किया है, यहाँ पर हमने इस तरह के टॉपिक्स किए आकर, लेकिन आज हमने सोचा कि नहीं भाई, हमारे मुल्क में अगर गर्ल्स जो हैं वो हर काम कर रही हैं, इवन पायलट भी बन रही हैं और हर शोबे में जा रही हैं, तो फिर क्यों ना इन्हें कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए कि जिस पर जो कि वुमेन का ना हो बल्कि अवाम का हो, माशरे का हो और पूरे शहर कराची को ये रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए तैयार हैं आप? आज हम इनसे बात करेंगे कि कराची का इमेज जो है, जो भी इमेज है पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में, वो नज़र आता है मीडिया के ज़रिए, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। और कराची के ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ भी हैं कि जो ज़्यादा और मशहूर हो जाते हैं वायलेंस के अंदर, और वो भी मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चलता है कि भाई आज जो है वो लियारी में ये वाक़या हो गया, आज जो है वो नाज़माबाद में ये वाक़या हो गया, या कोरंगी में, या सुल्तानाबाद में, या और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बल्दिया में ऐसा वाक़या हो गया। तो ये कराची के इलाके भी बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में अगर आप विज़िट करें तो कराची के जो ये वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ मीडिया कवर करता है, तो इसमें वॉयलेंस भी दिखाया जाता है कि जो भी किसी किस्म का वॉयलेंस हो रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है, इंतहा पसंदी की वजह से हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम की वजह से, मुख्तलिफ जो डकैती की वारदातों की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, और मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आप वायलेंस देखते हैं और उस वायलेंस के साथ कराची का नाम जुड़ रहा होता है। तो ये मीडिया जो कराची में होने वाला वायलेंस दिखाता है, तो जितना है उतना दिखाता है या उससे ज़्यादा दिखा देता है? तो हम जानेंगे आपसे कि आपकी क्या ख्यालात हैं और आप क्या मीडिया के बारे में कहना चाहते हैं। जी स्टार्ट करते हैं, फरमाइए। मीडिया के जो तीन बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन। तो हमारा मीडिया आजकल सिर्फ तीसरे पॉइंट पर ज़्यादा जोर देता है, जो है सिर्फ एंटरटेन। तो हमारे काफ़ी चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो यानी न्यूज चैनल में एंटरटेन कर रहे होते हैं। खबर है तो खबर का ताल्लुक एंटरटेनमेंट से तो नहीं है? खबर का ताल्लुक एंटरटेनमेंट से नहीं है, लेकिन वो इस तरह से पेश करते हैं कि वो एंटरटेनमेंट का ताल्लुक उससे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो टीवी चैनल्स का तो आप जो है वो कोई खबर आती है तो आप इंजॉय कर रहे होते हैं या खौफ का शिकार हो रहे होते हैं? एंटरटेनमेंट में तो बंदा इंजॉय करता है, लेकिन यहाँ इस तरह जिस खबर आती है तो उससे तो खौफ आता है फिर जी। लेकिन इंफॉर्मेशन देना
एक एक सेंसिटिव खबर को, लेकिन किस तरह से बाद में उसको एंटरटेनमेंट बना के पेश करना। अगर इमरान खान का तलाक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैकेजेस के अंदर गाने चलाकर उनकी तलाक को यानी दिखाई जाए। तो ये हम ये इन्फॉर्म करना है, पहली चीज तो ये कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, अगर आपने की भी है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है उनका। लेकिन अगर कराची की किसी सड़क पर कोई वाकया होता है, कोई माजी में ब्लास्ट होते रहे, बड़े खुदकुश हमले हुए हैं, टारगेट किलिंग होती रही है, तो वो तो उसी तरह दिखाया जाएगा, भाई मसला है, हो रहा है, लोगों को पहले से बताया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, तो उसमें तो कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की बात नहीं होती। एंटरटेनमेंट होती है, आप उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल ही हम लोग इन्फॉर्म नहीं करते, अवेयरनेस बिल्कुल दी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ब्लास्ट के बारे में कोई खबर आती है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये है कि और ब्लास्ट हो सकते हैं शहर के अंदर, कि आप मोहतात रहें, तो इसीलिए हम इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन मैं मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू उन खबरों की तरफ है जो कि ज़्यादातर एंटरटेन करते हैं, ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात है। हमारे पास एक बड़ा मीडिया ग्रुप है जो हमारे फाउंडर ने मतलब लेकर आए थे जो अखबार, तो हम वहाँ पे भी यानी प्रिंट मीडिया में जब खबरें देखते हैं तो वो एक न्यूट्रल है, लेकिन आजकल जो हम लोग पॉलिसीज देखते हैं तो डिफरेंट चैनल्स की। इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, एक्सेलेंट जी। नेक्स्ट और कौन बोल बात करेगा? मैं जो मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगी कि जो भी रिपोर्टिंग की जाती है वो यकीनन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, और जिस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं वो उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वो बताना चाहिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और यहाँ जहाँ बात अखबारों की आती है तो हमारे अखबार पढ़ने वाले ही नहीं हैं, तो अखबार अगर जैसा भी लिखें अच्छे से अच्छा लिखें, लेकिन जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फिर वो वेस्ट है। अगर कराची में कहीं कोई वायलेंस हो रहा है, कहीं किसी सड़क पर कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जो जिससे किसी इंसानी जान गई है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका प्यारा चला गया तो उसके लिए तो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ नहीं हो सकती ना, और मीडिया उसी की आवाज़ बनता है कि चाहे एक घर है, टारगेट किलिंग हुई, कोई ब्लास्ट हुआ, कोई वाकया हुआ, तो मीडिया ने जाके दिखाया, तो आप क्या समझते हैं कि ना दिखाए क्या मीडिया? तो मीडिया तो दिखाएगा, मीडिया का काम है, और उस घर के लिए तो एक फरिश्ता साबित हो रहा है कि उसकी आवाज़ उठा रहा है। जी इन्हें देखिए, मीडिया इन्फॉर्मेशन दे अच्छी बात है, लेकिन उसको इस कदर एग्जैजरेट ना करे। लाइक चाकू मार छलावा जो हमारे पास घूम रहा था, तो वो कट मार रहा था, छोटा सा ही मार रहा था ना, हम मीडिया उसको इस कदर गुलशन से निकला है और गुलिस्तान जौहर पहुँच गया है, अब फेडरल भी एरिया पहुँच गया, और गर्ल्स वर लाइक उसके बाद मीडिया ने एक अच्छी बात भी की, वो ये की कि जब खवातीन सड़कों पे आई और उन्होंने कहा आने दो चाकू मार छलावे को, हम भी देखते हैं कितना बड़ा है, तो मीडिया ने उसको कवर किया। उसके बाद लड़कियां कहने लगी नहीं आने दो, हम भी देख लेते हैं, मतलब हम लोग भी ऐसे कहते हैं, हम भी देख लेते हैं कौन इतना बड़ा चाकू मार छलावा है। उसके बाद न्यूज़ आना खत्म हो गई, हमारा डर निकल गया और सारे चाकू मार छलावे डर गए। तो मीडिया अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन एग्जैजरेट करना थोड़ा कम कर। बिल्कुल, ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, इस पे थोड़ा सा फरमाएं, क्योंकि खौफ फैल जाता है और हम उस खौफ की वजह से निकलते नहीं हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि खौफ होता है एक, हालांकि वो नहीं होती एक चीज़। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, अक्सर आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं किसी ट्रैफिक में फंसा हुआ होता हूँ, किसी प्रोग्राम में होता हूँ, और मेरे दोस्त जो अमेरिका में हैं या यूरोप में कहीं हैं वो मुझे कॉल कर रहे होते हैं, भाई आप खैरियत से हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होता, वो किसी रोड पर किसी एक जगह हो रहा होता है, लेकिन उसका इमेज ऐसा जा रहा होता है जैसे पूरे शहर में हो रहा है, ऐसे ही कुछ होता है। जी बिल्कुल, जैसे भी पिछले दिनों हमारे पास बारिश हुई तो ऐसा लग रहा था पूरा कराची सीवीओ बना हुआ है, और मेरे भाई सुबह सुबह जब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया गए तो जब भाई आए तो मैंने कहा भाई पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, भाई ने कहा मैं तुम्हें गीला लग रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, तो कहने लगे बेटा टीवी वाले कुछ ज़्यादा दिखाते हैं। क्या मीडिया की वजह से आपको ऐसा लगता है कि कराची में कोई बहुत सारे कहीं कोई से दहशतगर्द आ गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का आपने नाम सुना होगा, वो आप देखते हैं कि अक्सर जब एक्सट्रीमिज्म की बात की जाती है तो उससे अफगानिस्तान की हम बात करते हैं या फाटा की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्सट्रीमिज्म जो है वो कराची में भी मौजूद है, और वो एक्सट्रीमिज्म जो है या वो दहशतगर्दी जो है वो शहर के लिए नुकसानदेह, कभी ऐसा भी होता है?
जिस तरह वॉयलेंस दिखाते हैं इसी तरह वॉयलेंस कम करने के तरीके किससे भी लोगों को अवॉइड किया जाए, फीमेल्स को अवॉइड किया जाए कि कोई अगर आप पर वॉयलेंस कर रहा है या कोई स्ट्रीट क्राइम कर रहा है तो हम किस तरह रुकें उससे। ठीक है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो हम किस तरह, अगर हमें पहले से पता चल गया है, कोई अलर्ट पता चल गई है, तो हम किस तरह अवॉइड करें दूसरे इंस्टीट्यूट को उस चीज़ को रोकें। ये जो एहतियाती तदाबीर है तो मीडिया ये बता सकता है, नंबर टू ये बता सकता है मीडिया आपकी, आपको उसको थोड़ा तवज्जो भी दें अगर आप, अगर मीडिया पर ये चीज़ें आ रही हैं कि आपकी हेल्पलाइन सर्विस है, जैसे एम्बुलेंस की है, फायर ब्रिगेड की है, जैसे रेंजर्स की मौजूद है, पुलिस की मौजूद है, तो वो आपकी नॉलेज के अंदर आए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई कोई अगर आप पुरसरार हरकत, देखिए पुलिस की रेंजर्स की सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, ठीक है, अगर आपने उनकी हेल्प नहीं की तो वो भी शहर में अमन नहीं ला सकते। अगर आप देख रहे हैं कि आपके आपकी कोई ऐसा आपके मोहल्ले के अंदर, आपके करीब के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि शहर के अम के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो आप जो है वो कॉल करें, तो इसमें मीडिया इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इसके अलावा मीडिया एक और इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कि अभी हो रहा है कि यहाँ पर हम डिफरेंट जबान बोलने वाले, डिफरेंट मजाहिब के लोग, डिफरेंट एरियाज के लोग, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग एक जगह बैठें, डायलॉग करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को के लिए जो दिल बड़ा करें। हम ये ना समझें कि सामने वाला गलत है, बल्कि हम ये समझें कि सामने वाला मुख्तलिफ है, उसकी मुख्तलिफ राय है, तो हमारे अंदर बर्दाश्त का जज्बा है। तो आप समझते हैं कि मीडिया इसके में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे की सुने। इतनी सारी यानी बातें हो गई वॉयलेंस को देखते हुए और क्या वॉयलेंस होती है मीडिया में सबको पता चल गया। अब इसका थोड़ा सलूशन होना चाहिए कि मीडिया वॉयलेंस दिखाना कैसे कम कर सकता है। तो हमारे पास मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, हमारी बाउंड्रीज हैं, और हमारे पास एक इदारा है जिसका नाम है पैमरा। मीडिया के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि पैमरा के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो कि मुकर्रर हैं, तो उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन अगर शुरू करें तो शायद कराची या पाकिस्तान और पैमरा खुद भी थोड़ा सख्ती करे। पैमरा खुद भी चलें, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए जी इनके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के तमाम स्टूडेंट्स को और टीचर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज ज़बरदस्त जज्बात का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। सर ये जो वाकयात हुए, सफूरा गोट का वाकया आया सामने, फिर उसके बाद ये जो अभी लेटेस्ट जो अप्लाइड फिजिक्स के स्टूडेंट का वाकया सामने आया, इस पर बड़े लोगों ने अजीब अजीब मशवरे देने शुरू कर दिए। आपको करना ये चाहिए कि माहौल यूनिवर्सिटी का बेहतर करें, टफ एकेडमिक माहौल हो, इम्तिहान टफ हो, पढ़ाई सख्त हो, असाइनमेंट्स रेगुलर दिए जाएं। हाँ, आप एडमिशन टेस्ट सख्ती से लें, उसकी काबिलियत परखें कि वाकई इस काबिल है कि यूनिवर्सिटी में, हर एक को यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेलेक्टिव होनी चाहिए। नाज़रीन, कराची की बात करने आज हम आए हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब के पास। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप कराची की शान है, कराची की पहचान है, वैसे तो आप पाकिस्तान की शान है, आलम इस्लाम की शान है, लेकिन कराची को फ़ख्र हासिल है कि आप उसके बेटे हैं। आपको बहुत एज़ाज़ात मिले, और ख़ासतौर पर तमगा इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज, चार डिफरेंट गवर्नमेंट से मिले। इसके साथ साथ आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन कमीशन के आप चेयरमैन रहे, और आपके दौर में ये एक बड़ा काम हुआ हायर एजुकेशन कमीशन का पाकिस्तान में। कराची की बात करने डॉक्टर अताउर रहमान साहब के पास इसलिए आए हैं कि कराची शहर की जो असल पहचान थी वो तालीम थी, आज है या नहीं है डॉक्टर साहब से पूछते हैं, और कैसे ये पहचान वापस आ सकती है। कराची जो कि रोशनियों का शहर है, था, ये तालीम का भी शहर था और है, तो इसके जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन में और ज़्यादा तालीम हासिल करने में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहचान थी कराची की, ये वाकई पहचान थी और किस तरह थी माजी के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कराची जो अगर आप मुकाबला करें आज के कराची से, उस कराची से जिसमें मैं आया था सन 1952 में, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बहुत साफ सुथरा शहर था, एशिया के खूबसूरत तरीन शहरों में सफाई के हिसाब से समझा जाता था, और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन स्कीम थी, ट्रैम चलती थी उस ज़माने में, ट्रैम पट्टा जो आप जानते हैं, यहाँ पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे तक, तो काफ़ी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी, बसेस बहुत अच्छी होती थी, कोई क्राउड नहीं होता था, और बहुत
आराम से यहाँ जिंदगी गुजारी जाती थी। बहुत अच्छे स्कूल थे, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का मायार बहुत बेहतर था उन स्कूलों से जो आज हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बन चुकी थी। अब हुआ यह है कि वक्त के साथ साथ जो हमारी हुकूमतें आईं उन्होंने तालीम को नज़रअंदाज किया, तालीमी मायार गिर गया, जिसकी वजह से गलत तरीक़ों से लोगों ने नंबर हासिल करने शुरू किए और जो क्वालिटी जो बच्चों की निकलनी शुरू हुई स्कूलों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बहुत कम बहुत कमज़ोर थी। और उसकी वजह से फिर उनको जॉब्स में मिलने में दुश्वारी होती थी और दूसरे मसाइल होते थे। CSS के इम्तिहान में आप देखिए बहुत पीछे रह जाते हैं कराची वाले, इसके मुकाबले में दूसरे सूबों के बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो जनरल पुलिस के और जो दूसरे सिलेक्शन में हम पीछे रह जाते हैं, तो उसकी तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ है कि कराची के अंदर जो फिर जो एक जॉब्स के लिए एक सनती सनत को एक्सपेंड होना, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने देखा कि कराची में और पूरे मुल्क में ही सनत जो है वो कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, बहुत सारी सनतें बंद हो गई। उसमें कुछ वजह जो थी वो तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह थी और कुछ वजह प्राइसेस थी बिजली की, गैस की, आप रिश्वत के बगैर आप अगर सही बिल देंगे तो आप चला नहीं सकते सनत, तो वो जॉब्स ख़त्म हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, जो बच्चे निकलते हैं उनको कोई जॉब प्रॉस्पेक्ट नहीं होते तो गलत तरफ आसानी से रागिब हो किया जा सकता है उनको। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं उसमें आए। और फिर जो पोलिटिसाइज जो हुआ पूरा माहौल, जिसके अंदर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो PPP हो चाहे वो MQM हो, उनके आर्म ग्रुप्स जो हैं वो आ गए, उन्होंने शहर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। करप्ट एलिमेंट्स बहुत बड़े बड़े पैमाने पर आ गए और चाइना कटिंग और जो कुछ हुआ है पिछले 10-15 साल में आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो पूरा जो एक खूबसूरत एक अमन वाला शहर था और एक इल्म का शहर समझा जाता था एक वक्त में, वो सारा शहर जो है तबाह होकर रह गया। सर जी फरमाइए, ये जो नकल का रुझान है जी, ये बहुत बड़ा पिछले 20 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर, ये किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सबसे पहले तो असातिज़ा को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि जो वैल्यूज पैदा करनी होती हैं बच्चे के अंदर वो वालदैन को और असातिज़ा को पैदा करनी होती है। कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है वो आपकी आपका अपना ईमान है, आप ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, अगर उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो पूरा जो माहौल शहर का और मुल्क का बना कि गलत रास्ते पे चलेंगे आप तो आप सक्सेसफुल होंगे, और आप जो अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं कि वो अरबों रुपए लूटते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कानून जो है मुल्क में और कराची में ख़त्म हो चुका है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप केस आज फाइल करें तो 10-15 साल बाद शायद उसका नतीजा आ जाए, तो इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ, इस सब माहौल की वजह से चीटिंग का कल्चर जो है, नकल करने का कल्चर जो है वो बढ़ा। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं एक तो असातिज़ा को और फिर वालदैन को। असातिज़ा के शोबे में सियासी भर्ती होना जी, यानी इससे बड़ा आप क्या क्या बात करेंगे कि बच्चों के और इस मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, खासतौर पर स्कूल लेवल के ऊपर जो है कि पैसे लेकर और सियासी भर्तियाँ की गई, ये बहुत अफसोसनाक बात। जिस मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम हुकूमत हो वहाँ कभी तालीम पनप नहीं सकती। दरअसल ज़रा सा आप हटके सोचें कि दुनिया किधर जा रही है। आज आप देखिए कि सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी कराची से 1/4 है, 5.5 मिलियन के लगभग, और खाली सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $330 अरब सालाना है, जबकि पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $21 अरब हैं, जबकि कोई कुदरती वसाइल नहीं है। क्या वजह? तालीम। कि सिंगापुर ने अपने सारे प्रायोरिटीज़ को एक तरफ डाल के सबसे ज़्यादा जोर जो है स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर उसका लिंकेजेस ज़राअत के साथ, सनत के साथ, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक जायंट बन गया कुछ ना होते हुए भी। सिर्फ 55 लाख कुछ भी नहीं होती आबादी, वो कहाँ, पाकिस्तान से 15 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। वजह यही हुई है कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें आईं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी, उसमें विजनरी लीडरशिप नहीं थी, उसमें ज़्यादातर करप्ट लोग आए और उन्होंने लूट मार की और लूट मार करके वो कैपिटल लेके बाहर भाग गए। ठीक। और यही सिलसिला, और कानून जो है वो इंतकाल कर चुका है, दफनाया जा चुका है, कुछ थोड़ी बहुत कभी कभी सिसकियां लेती हुई जिंदगी की क्या असर नजर आते हैं कानून, फिर भी उम्मीद जुड़ी है, आवाम की फिर उम्मीद जुड़ी है। लेकिन देखिए ना, एक केस करने से कुछ नहीं होता, अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे कितने लाख केसेस पेंडिंग हैं, कब से पेंडिंग हैं,
किस किस किस्म के केसेस हैं, तो ये पूरा निज़ाम आपको दुरुस्त करना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो तालीम और इंसाफ। पढ़े लिखे बच्चों का, हायर एजुकेशन खासतौर पर हासिल करने वाले बच्चों का एक्सट्रीमिज्म की तरफ आना जी, हथियार उठाना जी, IBA के बच्चे का आना, अप्लाइड फिजिक्स के कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे का आना, ये एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी से मौजूद होना, क्योंकि इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो बहुत ही माइनर माइनर आएगा, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं। फरमाएं ये कैसे ख़त्म होगा, ये कैसे आ गया? ये इसी वजह से आया कि ये सोसाइटी का हिस्सा है, और जिस सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म हो, जिस सोसाइटी में इस तरह के एलिमेंट्स हों, कभी ना कभी कोई ना कोई उसका अक्स आपको स्टूडेंट्स के अंदर भी नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल तादाद देखें तो वो बहुत ही कम है और ना होने के बराबर है। एक जो ख्याल किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, ये बात सही नहीं है। यही बात मदारिस के लिए भी है, वहाँ भी अक्सर मदारिस में इस तरह के कोई एलिमेंट्स नहीं है। कोई कोई है जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ बंद करना चाहिए और उसमें सख्ती से हमें रोकना चाहिए, लेकिन जो मसला है वो बुनियादी तौर पर हमें उसको उसकी बुनियाद को देखना पड़ेगा। बुनियाद कहाँ है टेररिज्म की? बुनियाद है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, आप तालीम का मायार बेहतर करें, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ताकि बच्चों को माशी मुश्किलात ना हो, तालीम से हासिल करके उनको फौरन अच्छे जॉब्स मिल जाएं, आप उनके लिए मौके इस तरह के पैदा करेंगे और अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। सर ये जो वाकया हुए, सफूर अगोट का वाकया आया सामने, फिर उसके बाद ये जो अभी लेटेस्ट जो अप्लाइड फिजिक्स के स्टूडेंट का वाकया सामने आया, इस पर बड़े लोगों ने अजीब अजीब मशवरे देने शुरू कर दिए हैं कि जनाब स्टूडेंट को जब एडमिशन करवाया जाए वो पुलिस से स्टेशन से जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आए, देखा जाए कि उसके पास डोमिसाइल कौन सा है, किस शहर से आया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है। खैर बहुत सारी कुछ चीज़ें तो बेहतर भी थी इसमें, और इसमें चेक करने में गुहज नहीं है, लेकिन कुछ बिला वजह के मशवरे भी दिए गए। आपकी क्या राय है इसमें, स्क्रूटनी कैसे होनी चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि माहौल यूनिवर्सिटी का बेहतर करें, टफ एकेडमिक माहौल हो, इम्तिहान टफ हो, पढ़ाई सख्त हो, असाइनमेंट्स रेगुलर दिए जाएं। हाँ, आप एडमिशन टेस्ट सख्ती से लें, उसकी काबिलियत परखें कि वाकई इस काबिल है कि यूनिवर्सिटी में, हर एक को यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेलेक्टिव होनी चाहिए। बिल्कुल, कराची के मुस्तकबिल से पुरउम्मीद हैं आप, कि क्योंकि बड़ा खौफ दहशत देखी है पिछले 20-30 सालों में शहर में, एक जनरेशन बड़ी हुई है। हम मैं अपनी जाती बात करूं तो हमने भी गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, पेपर दे रहे हैं, हम भी इस तरह की सूरत हाल रही है, तो अब आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है, रोशन जी। बिल्कुल, मुझे बहुत रोशन मुस्तकबिल दिखाई देता है, इस वजह से कि हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, अल्लाह ताला ने कूट कूट कर ज़हानत भरी हुई है हमारे बच्चों में। आप देखें, ओ लेवल, ए लेवल में तो दुनिया में टॉप करते हैं हमारे बच्चे, तो ज़हानत मौजूद है। सिर्फ आपको 10 साल की ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि समझती हो कि जैसे कि ली क्वान यू सिंगापुर में थे, या डेंग चाइना में थे, या जनरल पार्क कोरिया में थे, या महातिर मोहम्मद मलेशिया में थे। एक विजनरी लीडर चाहिए, पूरा मुल्क सही हो सकता है, जो समझता हो कि आज की दुनिया जो है इल्म की दुनिया है और हमारी दौलत हमारे बच्चे ही हैं। कराची की अगर 22 मिलियन तकरीबन आबादी है, 2.25 करोड़, तो इसमें 1 करोड़ कम अज़ कम 20 साल से कम उम्र के नौजवान होंगे, वही इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और उसी पर फोकस होना चाहिए इनको। वो ठीक हो जाएंगे, अब उनकी तरफ ठीक कर देंगे तो इसी तरह पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों के आप रोल मॉडल हैं, इस शहर का हर बच्चा आपकी तरह बड़ा हो, आपकी तरह नाम कमाए, आपकी तरह जैसे आप UNO की कमेटी के चेयरमैन हैं, 62 कंट्रीज़ आपके अंडर आती हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको माना जाता है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके नाम के डिपार्टमेंट्स ओपन हुए हैं, तो ये बहुत एजाज़ और फ़ख्र की बात है, और यही काबिल फ़ख्र बात है। तालीम के मैदान में इज़्ज़त हासिल करना, नाम हासिल करना, ये एक प्राइड है, ये और यही कराची की पहचान थी, और यही हमारे रोल मॉडल हैं। बच्चों से मैं ये कहूँगा जो हमें देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, कि बेटा आप अगर किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पहली चॉइस अगर कोई हो सकती है, कोई मैं अगर एडवाइस करूँगा आपको, तो डॉक्टर अताउर रहमान है। सर थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खवातीन के लिए आप क्या कर रही हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दे रही हैं? मेरा शुरू से एक मतलब मोटिव रहा है, लर्न एंड अर्न, सीखिए और कमाइए। नाज़रीन, आज हम आए हैं वल्नरेबल एरिया मारीपुर में, और यहाँ पर एक ज़बरदस्त काम हो रहा है इस पसमानदा इलाके में,
कम्युनिटी पीस एंड हारमोनी सेंटर कायम हुआ है जहाँ पर खवातीन और नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस पसमानदा इलाके में ये रोशनी की किरण है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की खवातीन यहाँ पर आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ क्या कुछ हो रहा है आइए जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ हैं सभी अशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान की। 2004 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जब से आप सोशल वर्क कर रही हैं, हम भी इन्हें वॉलंटियरिज्म में और सोशल वर्क में बहुत आगे देखते हैं, ख्वातीन की आवाज़ उठाते हुए। और जिस जगह पर हम हैं, ये कम्युनिटी पीस एंड हारमोनी सेंटर तरबियत का, वल्नरेबल एरिया में आपने ज्यादातर काम किया है, लियारी में, सुल्तानाबाद में और इस पर मारीपुर में हम मौजूद हैं। क्या वजह क्या है वल्नरेबल एरिया में काम करने की? इसलिए कि मैं खुद वल्नरेबल एरिया से ही हूँ, लियारी से। तो चूंकि मेरी अपनी भी जो है बाई बर्थ में लियारी से हूँ, और चूंकि लियारी को मैंने हमेशा देखा कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम्स और बहुत, बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर ज़रा काफ़ी हद तक जो है प्रोग्रेसिव माहौल मिला अपने फादर की वजह से मुझे, कि मैंने जो है उनसे बहुत कुछ सीखा, वो खुद भी सोशल वर्कर थे तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प भी की। लेकिन बाकी इलाकों में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद थे, तो अब चूँकि एक तरबियत का हिस्सा था मेरी, तो वो मेरे साथ साथ वो आगे जब बढ़ा तो वो फीलिंग भी होती गई कि बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें क्यों हैं या इन इलाकों में इतने मसाइल क्यों हैं। आप क्या कर रही हैं ख़वातीन के लिए, आप क्या कर रही हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दे रही हैं, वो जब मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में इस तरह की तरबियत गाह में आ रही हैं, सेंटर्स में आ रही हैं, तो क्या सीख रही हैं? देखो बात यह है कि मेरा शुरू से एक मतलब मोटिव रहा है कि आप ख़वातीन को, एक तो बच्चियों को एजुकेशन और दूसरा हुनर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ उनकी ग्रूमिंग करती हैं बल्कि उनको बहुत आगे तक ले जाती हैं। तो वो एक बात है ना कि जब आप दरिया का रुख मोड़ दें तो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम इनको मेन, वो कहते हैं ना मेन दारा जो है तरक्की का, जिसमें मेन स्ट्रीम के अंदर अगर हम इनको छोड़ दें ख्वातीन को, कि अगर एजुकेशन भी आ गई, अवेयरनेस भी आ गई और साथ में हुनर भी आ गया, तो दोनों चीज़ों को लेते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ कि पहले एजुकेशन पर फोकस किया, और एजुकेशन भी कौन सी एजुकेशन की जिन बच्चों और औरतों ने कभी नहीं पढ़ा था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि आप कम अज़ कम इतना तो वो जाने कि उनको जो है किताबों के नाम, ये कॉपी, ये जो अखबार हैं उसकी मेन सुर्खियाँ पढ़ सकें, दवाइयों के नाम पता हों उनको, कम अज कम बच्चों की वो देख सकें कि आज उनको होमवर्क क्या मिला हुआ है, स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जा रहा है ताकि ये कुछ रोजगार का जरिया भी इनके लिए। जी जी, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट में हमने उसका नाम यही रखा कि लर्न एंड अर्न, सीखिए और कमाइए। हमारे पास जो दो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है हमारे मारीपुर में, एक ब्यूटिशियन और दूसरा जो है वो सिलाई। यही बच्चियाँ, कितनी कितनी खवातीन हैं जो ये इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं आपके पास से 4 महीने? मेरा ख्याल में तो हमारे पास तो जो है ये 5वां बैच इस वक्त जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चियों और खवातीन, एक बैच में तकरीबन कभी 70 हैं, कभी मतलब दो होते हैं हमारे पास बैच ना, तो एक बैच में हमारे पास तकरीबन 70 ऐसे वल्नरेबल एरियाज के अंदर है। हाँ, तकरीबन इसी इलाके की खवातीन आती हैं जी, इन्हीं इलाकों की बच्चियाँ हैं, जो पूरा मारीपुर काफी बड़ा यूसी है, उन्हीं एरियाज की सब बच्चियाँ थी। इनको यहाँ तक लाने में कोई आपको मुश्किल हुई या इनका अपना शौक था, ये कैसे यहाँ तक आए? नहीं, इसके लिए हमारे पास अपना एक सोशल मोबिलाइजेशन का सेटअप है पूरा, कि हमारे बच्चे, बच्चियाँ, लड़के भी हैं हमारे पास जो जाते हैं और जाकर पूरे एरियाज में हम कुछ पम्फलेट्स, कुछ प्रमोशन मटेरियल होता है, फिर हम पूरे एरियाज में वो करते हैं। वो क्यों आए, उनका उनका क्या फायदा यहाँ है? देखिए, उनके दो फायदे, एक तो ये उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, दूसरी बात ये है कि हम उनको ये भी एक बात बताते हैं कि एक तो आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, नाउ नंबर टू जो है कि जब वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो उसके बाद वो एक तो अपने कपड़े सियेंगे तो बचत हो जाएगी, बाहर के कपड़े सियेंगे तो इनकम आ जाएगी, तो दो चीज़ें उनको बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है, बचत भी और ट्रेनिंग भी।
इन इलाकों में काम करने का एक मेन मकसद यह है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं और उनको क्रिएट करने की कैपेसिटी यहाँ की आवाम की नहीं है। ये लोग खुद उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, फैसिलिटीज़ अपने लिए नहीं ला सकते, इसीलिए हम चूँकि अगर हम समझते हैं कि इस वक्त इतने काबिल हो चुके हैं, हमने जो भी एजुकेशन हासिल की है वो अब हम आगे डिलीवर कर सकते हैं, तो एजुकेशन का जो एक मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आप खुद वाइस हों और आगे आप उस विजडम को कैस्केड कर रहे हो। तो हमने अपनी तालीम में ये सीखा कि हमें लोगों के काम आना है और जब हमारे पास वसाइल मौजूद हैं आज हम उनको जमा कर सकते हैं, तो हमें मालूम है कि हमें इन इलाकों तक उन वसाइल को पहुँचाना है जहाँ के लोग अपने लिए वसाइल खुद पैदा नहीं कर सकते। वल्नरेबल एरियाज में जो है यूजुअली एक ये जहन में एक एहसास कमतरी होता है कि हमें मौके नहीं मिलते, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मौके दें, इनकी जो लाइफ स्किल्स हैं उन लाइफ के अंदर स्किल्स जो उनकी सॉफ्ट स्किल्स हो गई या उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको ख़त्म करने के लिए, उनकी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए, उनके कंटेंट किस तरह से वो डेवलप कर रहे होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के हम सेशन इनको करवाएंगे जिसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हों। नाज़रीन, कराची की आबादी में हर साल इजाफा होता है और माइग्रेशन भी होती है, इसका रकबा जो है वो बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। वर्टिकल की अगर बात करें तो यानी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फ्लैटों में रहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कराची के उन शहरियों से कि जो फ्लैटों में रहते हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एहसास करें दूसरों का, और यकीनी तौर पे आप करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते वो ये जहन में रखें कि आप अपने विंडो से, अपनी गैलरी से कोई भी चीज़ बाहर ना फेंकें, वो किसी को लग सकती है, उससे कचरा कहीं भी जो है फैल जाता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। आप कचरा या कोई भी सामान है वो एक जगह जमा करें और उसे प्रॉपर तरीके से हवाले किया जाए सुबह जब भी खाकरों आपके घर पे आए या जो भी आपने बिल्डिंग मैनेजमेंट का सिलसिला है। हमें एहसास करना होगा दूसरों का, हम जहां भी रहते हैं जिधर भी रहते हैं, जब भी शहर तरक्की कर सकता है, जब भी हम मुहज़्ज़ब शहरी कहला सकते हैं। हमें खुशी है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची में होने वाले इवेंट्स को हम कवर करें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए। जब हम बात करते हैं वीआईपी कल्चर की तो ख्याल होता है कि हम बात कर रहे हैं अरबाब इख्तियार की, तो इससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब अपने आप को इधर वीआईपी समझते हैं। अगर एक टीचर है वो क्लास में आ रहा है तो वो चाहता है कि मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, एक स्टूडेंट अगर पढ़ने आ रहा है तो वो भी चाहता है कि मुझे एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिले। पहले तो फरमाइए सीपीएलसी है क्या? जो एक खलीज है पब्लिक और पुलिस में, उसको पुर करने के लिए एक इदारा ऐसा बनाया जाए, ठीक, जो एक ब्रिज बने, ऐसा इदारा हो जो शहरियों की जबान बोलता हो, ठीक, जो शहरियों के तासरात को समझता हो और फिर उसका राबता जो है वो पुलिस से हो। नाज़रीन, कराची की बात आज हम करने आए हैं कराची के डिसेबल पर्संस के साथ। हमारे यहाँ एक तासुब है कि ये माजूर है, इन पे एक अफसोस से देखा जाए, राइट? फॉर अस हम हमेशा कहते हैं ये लोग है, डिसेबल नहीं है, बट डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि पीपल विद स्पेशल एबिलिटी है। इनमें भी